दोस्तों, इस बार समरकंद SCO समिट 2022 मोदी में रहा, भारत में रहा, क्योंकि जहां बाकी मेंबर कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बाकी सेंट्रल एशियन मेंबर कंट्रीज अपनी समस्याओं को लेकर SCO समिट में पहुंचे थे, तो भारत उन समस्याओं का समाधान लेकर समिट में शामिल हुआ। रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका लेड वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध, जहां रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं चीन अभी भी कोविड के साए से उबर नहीं पाया है। साथ ही चीन की जीरो कोविड पॉलिसी चीन के आर्थिक गतिविधि पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। चाइना के रियल स्टेट सेक्टर का कोलैप्स करना, बैंकिंग सेक्टर का कोलैप्स करना, मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनीज का चीन से बाहर जाना इत्यादि चीन के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। साथ ही ताइवान को लेकर चीन का एग्रेशन मानो चीन के इरादे ठीक नहीं है, संभव है चीन भी रूस के रास्ते चल पड़े। इस ग्रुप का तीसरा मेंबर है पाकिस्तान, इसकी अपनी ही समस्या है। चीन के कर्ज में इतने दब चुका है कि देश में खाने के लाले पड़े हैं और अब ऊपर से बाढ़ पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ा रहा है। सेंट्रल एशियाई देश टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस SCO समिट में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो अपनी समस्याओं को लेकर नहीं, समाधान लेकर समिट में शामिल हुआ। भारत इस वर्ष दिसंबर 2022 में UNSC का प्रेसिडेंट होगा, साथ ही भारत 2023 में G20 एंड SCO दोनों को होस्ट करेगा। इसलिए दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत का हर कदम दुनिया की राजनीति पर, आर्थिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव रखेगी। तो दोस्तों, भारत ने SCO को क्या ऑफर किया, भारत की तरफ से SCO के लिए क्या था खास, हम आने वाले कुछ मिनटों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट पेपर, मैं हूँ कुलदीप डनसेना। भारत का SCO समिट में शामिल होना इस ग्रुप को एंटी वेस्ट अलायंस के रूप में उभरने से रोकने के लिए काफ़ी था। भारत ने रीजनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन के साथ जो रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इस पर भारत का नज़रिया क्या है, इसे शेयर किया, क्योंकि इस ग्रुप में एंटी वेस्टर्न नेशंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है एंड इन देशों का सेंटीमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ पीक पर है। भारत ने इन एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स को काटते हुए डेवलपमेंटल एजेंडा सामने रखा, जो उन सेंटीमेंट्स से ज़्यादा अपीलिंग एंड इफेक्टिव था। पीएम मोदी ने ग्रेटर इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन के लिए बेहतर रीजनल कनेक्टिविटी पर बल दिया, जिसमें चाबहार पोर्ट का रोल, जो ईरान में भारत डेवलप कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने INSTC के थ्रू ट्रेड पर SCO में अपनी बात मजबूती से रखी। INSTC 7200 किलोमीटर लंबा ट्रेड कॉरिडोर है, जो भारत को ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया एंड यूरोप से जोड़ता है। भारत ने हाल ही के दिनों में स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। भारत अपने यहाँ सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के विकास और उपयोग पर फोकस कर रहा है और इस इकोसिस्टम ने भारत को 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स एंड 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स दिए हैं, जो भारत के लिए आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। भारत अपने इस अनुभव को स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के साथ साझा करने को तैयार है। भारत विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफ़ायती डेस्टिनेशंस में से एक है। कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2022 में भारत ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। ये सेंटर पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर है। पीएम मोदी ने कहा कि SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल करेगा। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए मिलेट की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने का समाधान सुझाया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2023 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा और SCO को भी SCO के अंतर्गत मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। इन सब के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट में SCO RATS मींस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रोल पर भी डिस्कशन हुआ। भारत 2023 में SCO होस्ट करने जा रहा है एंड भारत ने SCO का चेयरमैनशिप अज्यूम कर लिया है। इसी पर भारत में SCO कंट्रीज के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी काशी को SCO's फर्स्ट एवर टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी मेंबर कंट्रीज ने एंडोर्स किया है।
SCO से वाराणसी को टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल के रिकॉग्निशन को सेलिब्रेट करने के लिए केंद्र सरकार यूपी सरकार के साथ मिलकर कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगी। तो दोस्तों, भारत ने SCO समिट में रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फूड सिक्योरिटी और भी कई मुद्दों पर अपने सॉल्यूशंस एंड ऑफर रख दिए हैं, जिससे SCO हाथों हाथ लेते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के SCO में होने से क्या SCO एंटी वेस्ट अलायंस के रूप में उभर पाएगा? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।